15 अप्रैल की रात की बात करेंगे। प्रयागराज में 15 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसने सभी को बुरी तरह से चौंका दिया था, लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है उस रात का उसने सबको हैरत में डाल दिया है। असल में यूपी पुलिस ने जब अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त का वीडियो बार बार देखा तो उन्हें जो नजर में आया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि महज 16 सेकेंड के भीतर तीनों हमलावरों ने 34 गोलियां दागी थी। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 10:38, जगह कॉल्विन अस्पताल प्रयागराज। इस जगह अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ जो हुआ उसने यूपी पुलिस तक को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ वो बस चंद सेकंड में ही पूरा हो गया। लेकिन अब उस सारे मामले को समेटने में यूपी पुलिस को घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से वक्त लग रहा है। लेकिन इस वारदात के पूरे 10 दिन बाद जो कुछ भी सामने आया उसने एक बार फिर पुलिस के साथ साथ सबको चौंकाया। सिर्फ 16 सेकंड तक चली गोलियां, 16 सेकंड में दागी गई 34 गोलियां, बरसों की दहशत सेकंडों में खत्म। सिर्फ 16 सेकंड में हुआ अतीक का अंत। ये ताजा खुलासा सामने आया है कि उस रात अतीक और अशरफ पर 34 गोलियां फायर की गई थी, लेकिन इन 34 गोलियों को चलाने में इतने सेकंड भी नहीं लगे बल्कि गोलियों की गिनती से करीब आधे से कम वक्त में सब कुछ हो गया। 15 अप्रैल की रात का ये वीडियो एक बार फिर देखिए, क्योंकि सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया, फिर चाहे वो अतीक हो या उसका खौफ या फिर दहशत का ये मंजर। अतीक और अशरफ हत्याकांड का सबसे धमाकेदार खुलासा यही है कि सिर्फ 16 सेकंड में तीनों हमलावरों ने बरसाई थी 34 गोलियां। अतीक अशरफ हत्याकांड में मौकाए वारदात का सीसीटीवी खंगालने पर इस सनसनीखेज मामले की पड़ताल कर रही एसआईटी को पता चला कि तीनों आरोपियों ने महज 16 सेकंड में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। जांच कर रही एसआईटी टीम का सनसनीखेज खुलासा, फायरिंग के लिए जिगाना पिस्टल का हुआ इस्तेमाल, जिगाना पिस्टल से सबसे ज्यादा फायरिंग हुई, देसी पिस्टल से एक राउंड फायर हुआ, दूसरी गोली फंस गई थी। 16 सेकंड के अंदर तीनों शूटरों ने मिलकर माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का काम तमाम कर दिया था। एसआईटी की टीम को मौकाए वारदात से सीसीटीवी मिला है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 16 सेकंड के अंदर तीनों शूटरों ने कुल मिलाकर 34 राउंड फायरिंग की थी और 16 सेकंड के अंदर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया था। अब तीनों शूटरों से एक बार फिर प्रतापगढ़ जेल जाकर पुलिस टीम पूछताछ करने में जुटेगी। असल में माफिया सरगना अतीक अहमद का कत्ल दरअसल एक खूनी ट्रायंगल का नतीजा है। ये एक ऐसा खूनी ट्रायंगल जिसमें दो कोनों पर आमने सामने दो बड़े और नामी गैंगस्टर, जबकि तीसरे कोने पर खुद अतीक अहमद। पहला गैंगस्टर है जितेंद्र गोनी, जो रोहिणी कोर्ट में शूटआउट में 14 सितंबर 2021 को ही मारा जा चुका है, जबकि दूसरा गैंगस्टर है सुनील राठी उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, यानी जितेंद्र गोनी का जानी दुश्मन, जो इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और तीसरा गैंगस्टर है खुद अतीक अहमद, जिसकी पुलिस हिरासत में हुई हत्या ने इन दिनों पूरे देश को दहला रखा है। और उसके बाद अब यह सनसनीखेज खुलासा जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी टीम ने अतीक और अशरफ का खात्मा करने वाले हमलावरों के पास से जो हथियार बरामद किए उससे पता चलता है जिस जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया वह हथियार कितना खतरनाक था, जिसने पल भर में एक माफिया और उसके सालों के आतंक का अंत कर दिया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।